स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर आप क्राफ्टन का जंप चैलेंज जीतना चाहते हो, जो भाई आपने जिसका बैकग्राउंड में भी वीडियो भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, अगर आप ये जीतना चाहते हो तो आप बिल्कुल भाई सही वीडियो पर आए हो। यहाँ मैं कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ जिनको करने के बाद अगर आप अपना वीडियो क्राफ्टन को टैग करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये जो इवेंट है इसको जीतने के लिए। तो भाई सबसे पहले आपका जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्राफ्टन ने और कोई चैलेंज क्यों दिया, ये जंप वाला चैलेंज क्यों दिया। तो भाई जंप वाला चैलेंज देने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि जब आप जहाज़ से जंप करते हो तो अब आप किसी तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते, मतलब आपको जंप करके नीचे ही जाना है, उससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो। लेकिन अगर इसी तरफ से अगर आपको कोई दूसरा चैलेंज मिलता, जैसे ड्राइव का चैलेंज मिलता या कोई और मिलता, तो आप वो इजीली उसके अंदर क्रिएटिविटी करके उसको कर सकते थे। जैसे कि आप कार ड्राइव वाला मिलेगा तो आप पता ही है भाई बहुत सारे हैवी ड्राइवर हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो भाई ऐसे चैलेंज जो है वो ईज़िली से कर सकते थे लोग। लेकिन जंप चैलेंज को देने का मतलब यही था कि वो देखना चाहते हैं कि कौन भाई कितना ज़्यादा क्रिएटिव बंदा है इंडिया के अंदर। तो भाई अभी मैं कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ जिनको फॉलो करके अगर आप अपनी वीडियो बना के टैग करते हो तो आपके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे इसको जीतने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले टिप्स की तरह। तो सबसे पहला टिप्स मेरा रहेगा भाई कि जो भी आप अगर जंप कर रहे हो तो मैक्सिमम अपने फ़ोन के जितने ज़्यादा आपके ग्राफिक अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कोशिश ये करना कि जो भी आप जंप वगैरह करो वो एकदम हाई ग्राफिक में करो, ताकि सारी चीज़ें एकदम से अच्छी तरह से रेंडर हो और गेम का जो लेवल है वो अप रहे, ऐसा लगे कि अरे भाई गेम तो बहुत अप लेवल का है। अगर आप वो मीडियम और स्मूथ करके चलाते हो तो भाई फिर समझ रहे हो ना, उनकी भी गेम की बेइज्जती है कि भाई रेंडर ही नहीं हो रहा कोई चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लो एंड डिवाइस वाले भी हैं। तो मैं लो एंड डिवाइस वालों को यही बोलूँगा कि भाई थोड़ी देर के लिए किसी का फ़ोन लेके उनके फ़ोन से आप जो है इस चीज़ को इजीली कर सकते हो। तो ये तो पहला पॉइंट है कि हाई ग्राफिक रखने हैं आपको जब भी आप जंप करोगे। तो अब से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है भाई कंट्रोल हाइड करना, मतलब आपके जो कंट्रोल है उसकी जो ऑप्टिकलिटी है उसको आप बिल्कुल लो पे करें, ताकि जो आपकी स्क्रीन वगैरह है वो अच्छे से दिखाई दे, जिसमें आपका मैप भी है और साथ में जो आपके जो प्लेयर्स वगैरह हैं उनका उनकी जो जो उनको थोड़ा सा लाइट कर दें आप, उसको बिल्कुल ही कम कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उससे क्या होगा कि सारी चीज़ जो है नीचे की वो विजिबल रहेगी आपको, तो वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है कि हो सके कोशिश करना ऐसी जगह पर उतरने की जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह हों। कैसी, अब मतलब ऐसी जगह मत उतर जाना जहाँ नूब लोग उतरते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिखाने के लिए किसी एक बिल्डिंग पर उतर रहे हो दो बिल्डिंग पर उतर रहे हो। मैक्सिममली जो जहाँ बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है, जैसे पोचिंकी हो गया, अपना जॉर्जो पुल हो गया, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप उतर सकते हो, तो ऐसी जगहों पे ही लैंड करना, सिंपल वाली जगह पे मत करना जहाँ की लोग ऐसे ही चले जाते हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है जहाँ पे हॉट ड्रॉप होता है वहाँ पे लैंड करना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे चौथा जो एडवाइस है आपके लिए, चौथा टिप्स है वो है भाई फनी लैंडिंग। आप फनी लैंडिंग भी कर सकते हो, फनी लैंडिंग इन द सेंस तरह से बोल सकते हैं कि आप ऐसा वो कि आप लेट उतर जाओ और आपके जो एनिमीज़ वगैरह हैं वो पहले उतर जाएं और आपको हवा में ही मार दे, वो एक तरह की फ़नी लैंडिंग हो जाती है। तो इस तरह की आप लैंडिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब कुछ इस तरह का आपको फ़नी कंटेंट क्रिएट करना है, तो कि जो कि देखने के बाद भी लगे कि अरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप जो है चौथा जो पॉइंट हमारा, तो फ़नी लैंडिंग वो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो कि किस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट है फनी लैंडिंग के बाद हमारा प्रो लैंडिंग वाला। प्रो लैंडिंग का मतलब ये है कि आप पहले उतर के अगर हवा में ही बंदों को मार दोगे, एनिमीज़ को मार दोगे, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो भी काफ़ी हाई उसमें जाता है। तो अब अगर आप ऐसा आप कर सकते हो तो भाई कर लो, अगर कोशिश कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक ही बार किया था, उसके बाद तो मैंने कभी किया ही नहीं दोबारा। तो अगर आपसे होता है तो आप ज़रूर इस चीज़ को कर सकते हो। छठा पॉइंट है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है हमारा लैंड विद एनिमीज़। अगर आप एनिमीज़ ऐसी जगह पर उतरो जहाँ बहुत सारे एनिमीज़ आ गए हैं और आप वहाँ उतर रहे हो, तो आप उनको सराउंडिंग करके दिखा रहे हो कि इतने लोग हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी आपके लिए अगर आपको ये जीतना है। तो इसके लिए आप कस्टम वगैरह बना सकते हो, मतलब कोई ना कोई वैसे बहुत तरीके होते हैं जिसका आप कर सकते हो एडजस्टमेंट। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मे भी शायद आप जो वीडियो बनाओ तो इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो कि ऐसी जगह पर हॉट ड्रॉप ऐसी जगह पर कर सकते हो जहाँ पर आप सारी एनिमीज़ को दिखा सको कि चारों तरफ से एनिमीज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्शन डालती हैं। जो हमारा पॉइंट है भाई, ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नॉर्मल जगह पर लैंड मत करना। और जो लोग मैक्सिमम ऐसी जहाँ ज़्यादा बिल्डिंग्स वाले में लैंड नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए एक रास्ता और है कि आप एक ऐसी जगह पे लैंड कर सकते हैं जहाँ पे लैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, जैसे जॉर्जो पुल इसके अलावा, सॉरी जॉर्जो पुल ही मिल्टा मैं कह रहा हूँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप लैंड कर सकते हो, पानी की टंकी है किसी ऐसी जगह पर जो थोड़ा यूनिक सा लगे और जहाँ लैंड करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। हमारा जो आठवां पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा भाई लैंड ऑन विंडोज़। तो आप इस
को करने के लिए आप इजीली आप कर सकते हो अपने स्क्वाड के साथ, आप आई किसी जगह पे उतर सकते हो जहाँ पे 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ इजीली आप सारे एक साथ उतर के अपना जो अनफॉलो करके एक ही विंडो से अगर आप सारे के सारे एंटर कर जाओगे तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, पॉसिबल है, तो आप ये करो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नौवा जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट बड़ा ही सिंपल है, वो आपकी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो बहुत बढ़िया है, कि कोशिश करो कि जैसे ही आप जंप करो तो सीधा कार के ऊपर उतरो, बाइक के ऊपर उतरो, किसी भी तरह के व्हीकल्स के ऊपर आप उतर सकते हो, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए इसको जीतने के लिए। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट है भाई हमारा, कि जो BGMI के अंदर नया मोड आया है उसी के अंदर जो है आप इसको लैंड कर सकते हो, और वहाँ पे जाके आप मतलब जो नया मैप है उसी के अंदर आप जॉर्जो पुल वगैरह में अगर उतरोगे तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको ये सारी चीज़ें जो लैंडिंग वाली है ये कुछ इस तरह की बनानी है जो कि एकदम यूनिक लगे, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हटके लगे, थोड़ा क्रिएटिविटी इसके अंदर लगे, क्योंकि जो लोग भी सेलेक्ट होंगे वो क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट होंगे। और यहाँ पर मॉन्टेज की अगर बात करें तो हाँ आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई ये टास्क इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ कि इतना ज़्यादा हाई लेवल का है कि इसके लिए माइंड बहुत तगड़ा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप गेम के अंदर लैंड करने के बाद तो आप कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हो लेकिन हवा में रह के क्या क्रिएटिविटी करोगे। तो क्राफ्टर ने यहाँ पे दिमाग लगाया है और वो हम इंडियन का दिमाग जो है वो चेक कर रहे हैं कि भाई क्या कितना हाई लेवल तक इनका दिमाग जाता है। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो बनानी है और प्रूफ मतलब एक एग्जांपल के तौर पे देखना है कि किस तरह से इस चीज़ को करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा आपको बताने की एग्जांपल के तौर पे कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। और ये सब आप ये इस तरह से आप अगर आइडिया से आप अगर वीडियो बना के उनको टैग करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है उसमें सिलेक्शन हो जाएंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं जहाँ से लैंड कर रहे हैं और सीधा लैंड करने के बाद अपनी वीडियो टैग कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा अभी वो वीडियो हटा दो और ये जो मैंने आपको 10 पॉइंट बनाए हैं इसमें से जौन सा आपको अच्छा लगे, जौन सा पॉसिबल हो वो ज़रूर करो। और मैं ये कहूँगा कि ग्राफिक एकदम हाई रखना, नॉर्मल ग्राफिक में अगर आप करोगे तो भाई थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो भाई ये तो थे मेन पॉइंट, अभी ये मेन पॉइंट मेरे पास कहाँ से आए वो चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता, आप समझो उस चीज़ को, लेकिन मैक्सिमम आपको मैं यही बता दूं कि BGMI के इतने सारे प्लेयर हैं तो आप लोगों के दिमाग में भी ये होगा कि भाई ये किस तरह से सेलेक्ट कर देंगे, तो उसी के लिए मैंने कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। और जो लोग भी मेरे ये सारे पॉइंट करने के बाद जो वीडियो वगैरह डाल रहे हैं अगर उसमें से कोई जीत जाता है तो भाई मुझे ज़रूर कमेंट करना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो चीज़ मैंने बताई थी आपको वो काम कर रही है। और अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मैंने 10 पॉइंट आपको बता दी जिनको आप कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए थे तो भाई सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, साथ में BGMI आईओएस के लिए भी बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन आती है तो वैसी वीडियो बनाते हैं, और साथ ही BGMI लाइट के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय BGMI।